भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद, यहां मोदी सरकार ने 5 दिनों का विशेष सत्र आयोजित किया है। 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र में मोदी सरकार क्या विशेष करने वाली है, इस पर काफी बहस, अटकलें और सूत्रों की जानकारियां मीडिया के जरिए जनता तक पहुंच रही हैं। लेकिन सब अटकलें हैं, सूत्रों की जानकारियां हैं, स्पष्ट आधिकारिक बयान एक भी नहीं है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी पीएम मोदी को इसीलिए एक उन्होंने चिट्ठी लिखी और आपत्ति दर्ज कराई कि विपक्ष को अंधेरे में क्यों रखा गया है, सत्र के एजेंडे के बारे में चर्चा क्यों नहीं की गई है विपक्ष के नेताओं के साथ। इस मोदी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चिट्ठी का जवाब दिया कि आप यानी कि सोनिया गांधी परंपराओं से अवगत नहीं है। प्रहलाद जोशी ने चिट्ठी में जो जवाब दिया है सोनिया गांधी की चिट्ठी का, उस जवाब देने वाली अपनी चिट्ठी में लिखा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप संसद, हमारे लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकरण करने और जहां कोई विवाद नहीं है वहां अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है। संसद के विशेष सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ये करवाहट स्पष्ट रूप से सामने आ चुकी है। अब सवाल यह है कि कौन संसदीय परंपराओं का पालन कर रहा है और परंपराओं की कौन तिलांजलि दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। संसद के विशेष सत्र से पहले ही सोनिया गांधी की चिट्ठी और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के जवाब ने यह साफ कर दिया है कि सत्ता पक्ष विपक्ष संसद के भीतर किस स्तर पर गतिरोध इनमें देखा जाने वाला है। प्रहलाद जोशी ने लिखा है कि अनुच्छेद 85 के तहत संवैधानिक जनादेश का पालन करते हुए संसद सत्र नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। संसद सत्र बुलाने से पहले ना कभी राजनीतिक दलों से चर्चा की जाती और ना कभी मुद्दों पर चर्चा की जाती, लेकिन जब बात जनादेश की उठाई जाती है तो जनता से ही विशेष सत्र का एजेंडा क्यों छिपाया जा रहा है, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन भारत की राष्ट्रीय मीडिया ये सवाल नहीं पूछेगी। जस हिंदी के मंच पर हम स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता की आवाज बुलंद रखते हैं, इसीलिए सीधे-सीधे कुछ सवाल हम पूछना चाहते हैं। ये सवाल क्या है आज के, हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को कि क्या संसद के विशेष सत्र का एजेंडा गोपनीय रखने की कोई परंपरा है जिसका निर्वहन किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ। एक सवाल ये भी कि क्या मोदी सरकार नवंबर तक संसदीय सत्र का इंतजार नहीं कर सकती थी, बहुत ही अर्जेंट था। क्या संसदीय विशेष सत्र कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव के एजेंडे से संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अटकलें भी लगाई जा रही हैं। और सबसे बड़ा और प्रबल प्रश्न तो ये कि 5 दिनों के भीतर जनता से जुड़े मुद्दों पर क्या गंभीर चर्चा देखने को सबको मिल सकती है, मीडिया कर्मियों को, जनता को, क्या ये संसद के जो भीतर है चर्चा होगी 5 दिनों में, जो कार्यवाही होगी ये जनता से जुड़े मुद्दों पर होगी, ये भी एक बहुत बड़ा प्रबल प्रश्न बना हुआ है। हमारे साथ बेहद ही विशिष्ट पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं इस पूरी चर्चा को सार्थक बनाने के लिए। हमारे साथ पूर्व सांसद जुड़ चुके हैं अली अनवर अंसारी। अंसारी सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। विद्रोही जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। अंसारी सर, शुरुआत आपसे करना चाहूँगी। आप सांसद रह चुके हैं, संसदीय परंपराओं से अवगत हैं, आपका अनुभव है। जब बात आती है जनादेश की, मोदी सरकार जनादेश की बात करती है, लेकिन संसद का विशेष सत्र और इसका एजेंडा क्या है, इसे सीक्रेट रखना, क्या ये परंपरा है संसद की? और अगर सोनिया गांधी ने ये चिट्ठी लिखी है कि हमें नहीं बताया गया, तो इसमें जो जवाब आया है प्रहलाद जोशी का कि आप अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं, ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इस पर भी क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए नेहा जी, मैं करीब 11.5 साल तक राज्यसभा का सदस्य रहा जी, लेकिन कभी एक मौका नहीं आया ऐसा जबकि इस तरह के एजेंडा को लेकर के ऊहापोह की, संशय की, कयासबाजी की स्थिति रही। एक हमारे कार्यकाल में एक बार विशेष सत्र भी बुलाया गया तो वो जो एक देश एक जो टैक्स का जो कानून है उसको लागू करने के लिए
वो मध्य रात्रि में वो सेशन हुआ, तो वो भी पहले से मालूम था। लेकिन जो आम तौर पर जो सेशन होते हैं, आहूत होते हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं रहा। मीडिया के लोगों को भी पता हो जाता था और अपोजिशन को भी एक तरह से कुछ दिन पहले बताया जाता है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस में, क्योंकि देखिए लेना पड़ता है रूलिंग पार्टी ट्रेजरी बेंच को एक, क्योंकि एक पार्ट एंड पार्सल एक तरह से कहिए डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपोजिशन भी सरकार का एक हिस्सा होता है, इसीलिए ये उसके कार्यशैली का ये तकाजा है और ये परंपरा है कि उसको बताया जाता है कि इस विषय पर ये सेशन बुलाया जाता है। हमारी आपत्ति इस बात को लेकर के है कि ठीक है भाई, विशेष सत्र बुला रहे हैं, आपको बुलाने का अधिकार है, 15 दिन पहले आपने ये किया बताने का कि हम लोगों को सेशन हो रहा है, ताकि अपना लोग एंगेजमेंट देख करके इसके लिए समय निकाल सके जी। तो लेकिन अब देखिए कई चीजें आई, अभी मान लीजिए कि मणिपुर में जिस तरह का नरसंहार चल रहा है, जिस तरह की स्थिति चल रही है, 4 महीने हो गए, अभी भी कल भी काफी हिंसा की घटना हुई है और लगातार हो रही है, लेकिन इसको छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने तो इस पर कुछ बोलने से परहेज किया, वहां जाने से परहेज किया, और थोड़ा सा बोला भी तो कुछ सेकंड के लिए बोल करके, पासिंग रिमार्क दे करके और निकल गए। यहाँ तक अपील नहीं किया कि भाई आज सभी लोग शांति बनाए रखें, हम लोग इस मसले का हल करेंगे, तो ये एक ऐसा, उस पर कोई स्पेशल सेशन नहीं बुलाया गया। इतनी बड़ी कोरोना के बाद इतनी बड़ी महामारी आई, सड़कों पर लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले, मरे, तो उस पर कोई विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। आंदोलन चला किसानों का, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 1 साल तक करीब आंदोलन चला, रास्ते जाम रहे और बहुत तरह की बात हुई उसको लेकर के, मामले को एक सवाल यहाँ पर आपसे ये लेना चाहूंगी कि सोनिया गांधी ने अगर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे जो है अनुरोध किया है कि आपने जो विशेष सत्र बुलाया इसका एजेंडा क्या है, हमसे चर्चा नहीं की गई, तो इस पर प्रहलाद जोशी का जवाब आना, उनकी तरफ से चिट्ठी का जवाब आना, इसे भी क्या हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक सही और स्वस्थ लोकतंत्र का जो है नमूना मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जबकि प्रहलाद जोशी ने चिट्ठी का जवाब दिया? नहीं, इससे भी बड़ी चीज है कि जो संसदीय कार्य मंत्री होते हैं उनका व्यवहार रूलिंग अपोजिशन में के बीच और ट्रेजरी बेंच के बीच खिंचातानी होती है, गर्मा गर्मी होती है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री ऐसे लोगों को बनाया जाता रहा है, हम लोगों ने देखा है कि वो एक फ्लोर मैनेजमेंट का काम करते हैं, अपोजिशन पार्टियों से संपर्क में रहते हैं, उनको बातें बताते हैं, मीठा बोलते हैं, माने ऐसी सख्त भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि आप स्थिति को बिगाड़ने के लिए। अब बताइए, मैंने सोनिया गांधी जी संसद के लिए एजेंडा पूछ रही हैं तो कह रहे हैं कि आप स्थिति को बिगाड़ना चाहती है, कम से कम ये संसदीय कार्य मंत्री की ऐसा लहजा, ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। तो बहुत कड़वी से कड़वी बात का को भी कहने का अंदाज है, अगर अपोजिशन से बहुत टकराव की तो ये कहेंगे कि ये लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं, जो संसदीय परंपराएं, इसके विपरीत जो है प्रहलाद जोशी का बर्ताव दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल इसके विपरीत है, और भी कई मौके ऐसे आए हैं जो इस तरह की बात वो करते रहे हैं। और एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ तो ये है ना, कंपटीशन है ना कि हमारे दूसरे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह की बात करते हैं, जिस तरह की भाषा में, तो अब उनका देखा देखी उनके मंत्री दूसरे, ये संसदीय कार्य मंत्री भी, अब इसी में कंपटीशन है कि कौन अपोजिशन को चिढ़ाने वाला, इरिटेट करने वाला, बार बार ये जो चिढ़ाने वाली बात करने वाली भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच जो कि विशेष सत्र का आयोजन संसद के भीतर होगा, इसमें क्या
का अखाड़ा जो है उसकी स्थिति देखने को मिलेगी, जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी या फिर बहुत ही बड़ा धमाका करने की तैयारी में मोदी सरकार दिखती है। हमारे साथ वरिष्ठ पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वेद प्रकाश विद्रोही जी। विद्रोही जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब सोनिया गांधी चिट्ठी लिखती हैं तो प्रहलाद जोशी जो है जवाब देते हैं कि अनावश्यक विवाद पैदा करने की जो है या फिर राजनीतिकरण करने की जो है इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक आरोप विपक्ष पर भी लग रहा है कि जिन 9 मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई है, इस पर अविश्वास प्रस्ताव जब लाया गया था तो लगभग सभी विषयों को जो है उस पर चर्चा भी हुई है, उस पर सरकार का पक्ष का भी जो है पता चल गया है जनता को कि सरकार का क्या रुख है। ऐसे में अनावश्यक जो है इस जो विशेष सत्र है उसको किसी और ट्रैक पर ले जाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। विद्रोही सर, आपको पूर्व सांसद अनवर जी को, दिनेश गुप्ता जी को और जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथ में जस्ट टीवी में देखने वाले सभी अमेरिकन और कनेडियन, ऑस्ट्रेलिया में जहां जहां आपके दर्शक देखते हैं जी, सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं जी। नेहा जी, लोकतांत्रिक परंपरा में ये पहली बार हो रहा है कोई विशेष सत्र बुलाया गया हो और उसका कोई एजेंडा ना हो। प्रहलाद जोशी और मोदी सरकार का ये दावा ही गलत है कि विशेष सत्रों का एजेंडा आवश्यकता नहीं होती और सरकार कभी भी सत्र बुला सकती है, उसका कोई एजेंडे की जरूरत नहीं है। पर उनकी उनकी जो दलील है वो ये है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जी। सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ ना जी, जो रूटीन का संसद सत्र होता है उसमें सरकार पहले एजेंडा घोषित नहीं करती, विपक्ष को बताती है, जैसे अनवर साहब ने बताया आपको। और जो विशेष सत्र होते हैं, हिंदुस्तान के 75 साल प्रजातांत्रिक इतिहास में आज तक जितने भी विशेष सत्र बुलाए हैं उन सभी विशेष सत्रों को बुलाने से पहले विपक्ष से चर्चा भी की गई है और उनका एजेंडा भी सार्वजनिक रूप से घोषित किया गया कि हमने विशेष सत्र क्यों बुलाया। ये पहला सत्र है जिसका कोई एजेंडा घोषित अभी तक नहीं हुआ और सत्र बुलाने की घोषणा कर दी और विपक्ष से तो चर्चा का सवाल ही नहीं। दूसरा, सबसे बड़ी अहम परंपरा रही है कि कोई भी विपक्ष का नेता या विपक्षी दल की पार्लियामेंट्री पार्टी का चेयरमैन, पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन की परंपरा ये गठबंधनों के दौर के बाद से शुरू हुई है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी या आडवाणी जी चेयरमैन रहे थे तब वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखते थे, और चाहे सोनिया गांधी चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखती हैं, और चाहे आडवाणी जी ने जितने पत्र या सुषमा जी ने जितने पत्र प्रधानमंत्री के नाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम लिखे 2014 तक, आप इतिहास पाकर देख लिए उस हर पत्र का जवाब प्रधानमंत्री ने स्वयं दिया। विपक्ष के नेता और विपक्ष की पार्टी के सीपीपी के चेयरमैन का जवाब प्रधानमंत्री द्वारा न देकर अपने संसदीय कार्य मंत्री से दिलवाना ही विपक्ष का भी अपमान है और संसदीय परंपराओं का भी अपमान है। और जो भाषा का प्रयोग किया है वो तो बहुत ही गलत, जैसे अनवर साहब ने बताया, ये अपेक्षा ही नहीं की जा सकती कम से कम संसदीय कार्य मंत्री से, जिसका काम ही समन्वय करना होता है, कि वो ऐसी भाषा बोलेगा। पर भाजपा राज में नई नई परंपराएं पैदा की जा रही हैं जो लोकतंत्र के प्रतिकूल है। इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने ही विशेष सत्र बुलाए हैं। देखिए 26-27-2015 को जो नवंबर को, ये तो कंटिन्यू सेशन था, कंटिन्यू सेशन में 2 सिटिंग कंस्टिट्यूशन डे की स्पेशल बुलाई थी और बताया गया था कि भाई कंस्टिट्यूशन डे मनाया जाएगा स्पेशल सिटिंग जी। 9 अगस्त 2017 को इंडिपेंडेंस का मनाया गया वो जी। लगता है कि कुछ तकनीकी समस्या आ गई है तो मैं दिनेश सर के पास जाना चाहूंगी। दिनेश सर,
इस तरह का जो परंपरा की बात हो रही है कि अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ भारतीय जो है लोकतांत्रिक इतिहास में कि अगर विपक्षी किसी बड़ी नेता की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी गई हो तो उसका जवाब जो है संसद में। सुन रही है मेरी बात? जी 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 जी, मैं सुन रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं सर। 26 नवम्बर 2019 को बुलाया जी, और जैसा अनवर साहब ने बुलाया बताया था 30 जून 2017 को जीएसटी पर स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन आधी रात को बुलाया गया था, जिसकी न केवल अग्रिम सूचना दी गई थी अपितु इस पर अगर आपको याद होगा मोदी जी ने पहली बार केवल एक बार ही बैठक की आज तक विपक्ष के नेताओं से, प्रधानमंत्री निवास के अंदर वेंकैया नायडू और जेटली जी सोनिया जी से घर मिलने गए थे और वहां उनसे चर्चा की, और वहां से चर्चा करने के बाद प्रधानमंत्री निवास के अंदर जेटली जी वेंकैया जी प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से थे मोदी जी की तरफ, सोनिया जी और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कांग्रेस की तरफ से थे, और बाकायदा बैठक हुई और उस बैठक में जीएसटी कैसे पास हो क्या हो ये तय हुआ, और उसके बाद ही 30 जून 2017 को स्पेशल सेशन बुलाया गया था। आपको याद दिला दूं जुलाई 2008 को ट्रस्ट वोट के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था कहकर कि भाई स्पेशल सेशन होगा। 26 अगस्त 1997 को हमारा 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का हुआ पता कर हुआ था। मैं एक दो घटनाएं बताता हूँ। 3 जून 1991 को जब हरियाणा के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाना था ऐसे हालात थे, स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया पता कर बुलाया गया था जी। और 13 मई 2012 को समय थोड़ा सीमित है इसलिए मैं चाहती हूँ कि संक्षेप में बताएं। लास्ट बार 13 मई 2012 को जब कांग्रेस यूपी की सरकार थी तो लोकसभा और राज्यसभा का 60वां वर्ष मनाने के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया था जिसका घोषित एजेंडा पहले था। ये उदाहरण तो मैंने आपको ताजा दिए हैं जी, जी। अगर आप पुराने उदाहरण भी देंगे तो स्पेशल सेशन के लिए बाकायदा जब भी बुलाया गया है निश्चित एजेंडे के साथ निश्चित घोषणा के साथ और विपक्ष को विश्वास में लेकर बुलाया गया। जब आपने कोई एजेंडा घोषित नहीं किया तब विपक्ष ने सामूहिक जो इंडिया गठबंधन है उसने सामूहिक बैठक कर सोनिया गांधी जी का अधिकृत किया कि भाई कोई सरकार का एजेंडा है नहीं, हम विपक्ष की तरफ से अपना एजेंडा सरकार को रख रहे हैं। एक सवाल मैं दिनेश जी से लेना चाहती हूँ जी। नहीं मैं खत्म कर रहा हूँ जी। हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे इस भावना के तहत 26 दलों के विपक्षी दल जिसमें 24 विपक्षी दलों के सांसद है लोकसभा और राज्यसभा में, उन्होंने सोनिया गांधी जी को अधिकृत किया था ये 9 सूत्री एजेंडे का कि भाई सरकार का एजेंडा नहीं है, हम उस एजेंडे पर चर्चा करेंगे। तो उस एजेंडे को राजनीतिक एजेंडा बताना ही सरकार के सत्ता अहंकार की प्रकाशना जी। जी दिनेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि 31 अगस्त का वो दिन था जब विशेष संसद सत्र का जो है ऐलान किया गया कि 18 से 22 सितंबर के बीच में, और ये जो 31 अगस्त का दिन है ये वो दिन था जब मुंबई में विपक्षी अलायंस इंडिया की बैठक हो रही थी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खासकर जो आलोचक हैं मोदी सरकार के, कि ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। क्या हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, या पहले से कोई बड़ी तैयारी, जिस तरह से ये भी कहा जाता है मोदी सरकार के बारे में कि कोई बड़ा धमाका करते हैं ये चुनाव के आने से पहले या फिर चुनाव के आसपास, तो ये तैयारी तो पहले से ही थी, और लेकिन जो समय चुना गया वो 31 अगस्त का चुना गया ताकि जो हेडलाइन मैनेजमेंट वाला पार्ट है वो भी मैनेज हो जाए। दिनेश सर, क्या लगता है आपको कि ये आरोप जो विपक्षी अलायंस इंडिया लगाता है कि हमारी बैठकों से घबरा कर ही ध्यान भटकाने के लिए जनता का इस तरह के शगुफे या फिर ऐलान किया जाता है? दिनेश सर, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस बात की ओर ही इशारा करता है कि इस तरह की हेडलाइन मैनेजमेंट की कवायद होती है, पॉलिटिक्स में हर समय होती है। तो ऐसा नहीं है कि आज भारतीय जनता पार्टी है, मोदी जी है तो उसके कारण हुआ है, लेकिन सबके तरीके अलग होते हैं। और ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, सत्र बुलाना नहीं था, हेडलाइन मैनेजमेंट था वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर ये जो चर्चा चालू हुई और ये लोकसभा में आ रहा है कि नहीं विशेष सत्र में, ये इसके बारे में कोई भी सरकार नहीं बता रही। लेकिन एक कमेटी बनाकर सरकार ने ये मैसेज दिया है कि वो इस दिशा में कोई काम कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ नहीं है। लेकिन जो भी लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राज्यों की विधानसभा हो, वो नियम तो है, कई चीजें नियमों से होती है, बहुत सारी चीजें परंपराओं से होती है।
जी संसदीय लोकतंत्र में आप परंपराओं को अनदेखा नहीं कर सकते, शिष्टाचार को अनदेखा नहीं कर सकते। तो ये जो चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ, इसमें शिष्टाचार जो है इसको जो है इसकी तिलांजलि दे दी गई है। यहाँ ये केवल आप ये देखिए, पूरे जहां भी बीजेपी की सरकारें होंगी आपको इस तरह का ट्रेंड आमतौर पर दिखेगा। वो अपने विपक्ष के नेताओं की या जो दूसरे पत्र आते हैं वो उनका जवाब नहीं देते, ये उनकी उनका सेट ट्रेंड है। ये लोकसभा में ये कभी लेटर लिखा है और उन्होंने वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने एक रिप्लाई किया है, उस रिप्लाई में वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, कोई संसदीय परंपरा या व्यवस्था की बात नहीं कर रहे कि बुलाना चाहिए, बात करना चाहिए। क्योंकि जब स्पेशल सेशन है तो आपको कॉज तो बताना पड़ेगा, स्पेशल सेशन है आपको लोगों विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, वो अपनी तैयारी क्या करेगा। यदि आपका कोई भी मुद्दा है पॉजिटिव है या आप कोई इलेक्शन एजेंडा सेट कर रहे हैं तो विपक्ष की तो अपनी बात रखेगा ना। यदि कोई एजेंडा नहीं है तो फिर विपक्ष ने एक एजेंडा दिया है उस पर चर्चा करा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। यदि सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है और सत्र बुला लिया है तो फिर ऐसा तो होता नहीं है ना कि आपके पास जीरो एजेंडा पर आप सत्र बुला लें और आप अपना भाषण दें। जो बात हो रही थी हेडलाइन मैनेजमेंट या विपक्ष जी, एक ब्रेक ले लेते हैं जी, कि केवल आप अपनी बात जो है रखने के लिए सुनने के लिए हम लोगों को बुलाना चाहते, तो ये तो नहीं होता लोकसभा या राज्यसभा में। बिल्कुल, आप दोनों पक्षों को साथ चलना पड़ता है। आप वन नेशन वन इलेक्शन पर भी जा रहे हो या किसी दूसरे मुद्दे पर जा रहे हो तो आपको विपक्ष को भी साथ लेना होगा। भारत के संसद के विशेष सत्र में क्या ऐसा खास होने वाला है जिस पर बहुत ज्यादा सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है मोदी गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे साथ अली अनवर अंसारी सर जुड़े हुए हैं। अली सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि विशेष सत्र में क्वेश्चन आवर जीरो आवर नहीं होगा, तो कुछ खास गवर्नमेंट का बिजनेस होने वाला है, और जो बातें मीडिया में सूत्रों के हवाले से कही जा रही है, वन नेशन वन इलेक्शन, महिला आरक्षण, या फिर इंडिया का जो नाम हटाकर भारत रिपब्लिक ऑफ भारत की जो बात है, इस तरह के जो मुद्दे हैं, इस आकलन के बीच में क्या आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे नहीं होंगे बल्कि कुछ एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा? मैं सही कह रही हूं, देखिए इनकी कार्यशैली यही है, ये कोई पहली बार नहीं। आप देख लीजिए, नोटबंदी जब लागू हुई अचानक इतना बड़ा कदम, न रिजर्व बैंक के गवर्नर को मालूम और न वित्त मंत्री को मालूम। हम लोग पूछते थे, हम उसी कमिटी में थे, रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, पूछते थे कि आपको पहले मालूम था कि नहीं, हम लोग पूछते थे तो वो मुस्कुरा देते थे। वित्त मंत्री थे जेटली साहब, स्वर्गीय जेटली साहब, उनको भी ये पता नहीं था। तो इनकी ये शैली है कि हिडन एजेंडा वाली ये विचार की पार्टी है इनका, जो बोलते हैं वो करते नहीं है और जो करते हैं वो बोलते नहीं है, इस ये फ्रेज इन पर लागू होता है। अब रही बात कि क्या क्या हो सकता है, तो आपने एक चीज का तो संकेत मिला है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके लिए एक कमिटी बनाई है। इसमें भी देखिए, तमाम आज तक कोई भी राष्ट्रपति, राष्ट्र का प्रतीक होता है, इसीलिए ता जिंदगी उसको वो सम्मान मिलता है, उसको घर मिलता है, उसको तमाम सुविधाएं मिलती है, और इस तरह से उसका डायरेक्ट राजनीति में इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इसको कोविंद साहब को पूर्व राष्ट्रपति को इसका चेयरमैन बना करके और इस तरह का काम करना, ये भी एक अनोखी बात है। दूसरी बात, महिला आरक्षण की बात ये कर रहे हैं, तो अब तो देखना है, कयास ही है। एक और कयास है कि मैंने ये नाम बदलने वाला भी संकेत आ ही गया है। अभी तक कागज पत्र में या उसके लिए नाम बदलने के लिए जो सारी प्रक्रिया है संवैधानिक संशोधन की, वो बिना पूरा किए राष्ट्रपति भवन से जो निमंत्रण भेजा जा रहा है वो इंडिया की जगह भारत लिख करके भेजा जा रहा। तो ये तो कानून, सारे नियम कायदे कानून परंपराओं को ताक पर रख करके चलने वाले लोग हैं। एक और कयास लगाया जा रहा है रोहिणी कमीशन का, रोहिणी कमीशन का जो ओबीसी है उसको रोहिणी कमीशन इनके पास आ गया है और उसको लंबे समय तक टालते रहे, लेकिन हमको लगता है एक कयास ये भी है, आप इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन रोहिणी कमीशन को ला करके और ओबीसी को चार भागों में बांटने को लेकर के ये विवाद, कोई नया विवाद का मुद्दा खोजते रहते हैं, विवाद से ही प्रचार से ही। और तत्कालिक इनका मकसद ये है कि अभी देखिए
आपको मणिपुर चल रहा है, पिछला पूरा सत्र मणिपुर लेकर के माने हंगामा ही होता रहा, कई सदस्यों को निकाला गया पूरे संसदीय कार्य के लिए। उसी तरह से आप समझ लीजिए कि आप इसके अलावे समझ लीजिए कि ये इसी तरह का काम करते हैं, तो रोहिणी कमीशन जो है वो एक पिछड़े वर्गों के वोट को डिसइंटीग्रेट करने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए इसका भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी कयास है। फिर वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो आ ही गई है। अब इसके अलावे ये क्या करेंगे, जो आरक्षण वाली बात है, ये यूसीसी वाली बात है, उसको भी ये ला सकते हैं। लेकिन सब चीज के लिए एक परंपरा है, कोई चीज अभी असल चीज इनको, हमको ये भी लगता है कि जो एक कम धमाका हुआ है अडानी को लेकर के पूरे पुख्ता प्रमाण के साथ, हिंडनबर्ग से भी ज्यादा इसमें कई नए प्रमाण आए हैं जिसमें कि हेरा फेरी हुई है, मैनिपुलेशन हुआ है रुपये का, तो उसको उससे ध्यान आप पूरा देखिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री जी अपने मित्र अडानी के बारे में एक शब्द नहीं बोले हैं, तो ये नहीं बोल सकते। उससे ध्यान हटाने के लिए कि उससे ध्यान हटे, महंगाई से हटे, बेरोजगारी से हटे, फिर ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव भी ये पहले करा सकते हैं। चार राज्यों में इनको डर हो गया है कि कहीं चार राज्यों में हमारी पार्टी हार मत जाए, कहीं कोई दूसरी पार्टी मत जीत जाए। कांग्रेस तीन राज्यों में लोग सर्वेक्षण बता रहे हैं कि अच्छी स्थिति में है, इनसे अच्छी स्थिति में है, तो अच्छा है कि दोनों चुनाव एक साथ कराया जाए। तो ये कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब क्या है इसी सब चीज को लेकर के ये इसी तरह से सस्पेंस में बना करके रखना चाहते हैं, कयासबाजी होती रहे और असली जो मुद्दे हैं देश के सामने उससे ध्यान भटकाने के लिए भटकाने का भी काम होता रहे। और पूरी बात तो सेशन शुरू होने से एक दो दिन पहले, शायद हो सकता है कि सेशन के दरमियान भी, ये भी नियम में है कि जो एजेंडा दिया जाता है उसको बीच में भी बदल सकते हैं, ऐसा भी हुआ है कई बार, तो वो भी पहले तो एक एजेंडा आए, पहले जो प्राइमरी तो ड्यूटी है ट्रेजरी बेंच की एक एजेंडा लेकर के आए, तो वो नहीं कर रहे हैं, बाद में भी करके भी बदल जाएंगे, तो इनके बात का और इनके काम का कोई भरोसा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि आप सीमित समय के लिए हमारे साथ जुड़े थे, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, प्रस्थान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनवर साहब कि आप जुड़े स्ट्रेट टॉक के साथ। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी और दिनेश जी भी बने हुए हैं। सर, जब विपक्ष कहता है कि हमसे भयभीत होकर ये तमाम जो है ये हथकंडे अपना रही है मोदी सरकार, लेकिन बहुत ही जो है गूढ़ ये बातें हैं, बहुत ही वरिष्ठ जानकारों की तरफ से निकल कर आई है कि मोदी सरकार पहले से ही बहुत बड़ी तैयारी करके बैठी हुई थी बड़ा धमाका करने के लिए, लेकिन 31 अगस्त का दिन चुना गया खास तौर पर ताकि जो विपक्षी अलायंस की मीटिंग है उससे मीडिया मैनेजमेंट, जो मैंने दिनेश सर से भी कहा था, वो की जा सके। ऐसे में जब बहुत कुछ बड़ा करने की तैयारी की बात होती है तो फिर इंडिया के पास इसका क्या तोड़ है? बड़ा धमाका होगा या ये फूस धमाका होगा ये तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। 10 और 11 तक तो आपका G20 है, दो दिन तक ये G20 को बुलाएंगे, तो जो भी कुछ करेंगे या सामने आएगा 13 सितंबर के आसपास आना शुरू होगा। अभी ये केवल मात्र जनता का ध्यान भटकाने के लिए बातें चल रही है। अब जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, अभी कमेटी बनी है, कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद कोई प्रस्ताव होंगे, तो कम से कम कानूनन रूप इस विधान लोक जो स्पेशल सेशन है इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का कानूनी कोई स्वरूप आएगा ये संभव ही नहीं जी। दूसरा, ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर जो नया विवाद पैदा किया है, क्योंकि भारत के अंदर क्या तो लिखा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या भारत गणराज्य के राष्ट्रपति जी। अब अगर आपको हिंदी में ही लिखना था और भारत को ही लिखना था तो आप लिख सकते थे भारत गणराज्य के राष्ट्रपति की तरफ से निमंत्रण पत्र। मान लो ये समिट चीन या
रूस में होती तो वो तो अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करते, वो अपनी स्थानीय भाषा में ही निमंत्रण पत्र उनकी तरफ से होता, तो भारत में भी ये संभव था। पर इनको निमंत्रण पत्र या भारत शब्द से कोई मतलब नहीं है, इनको केवल मात्र विवाद पैदा करने से मतलब है। और एक बात तो तय है कि जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया हुआ है तब तक इनके अंदर भारी घबराहट है, बौखलाहट है, और इनकी सारी राजनीति उसी के कारण चल रही है और उसी पर वार प्रतिवार मीडिया हेडलाइन मैनेज करने के लिए अभी तक तो यही चल रहा है कि कैसे मीडिया हेडलाइन को मैनेज किया जाए और विपक्ष के एजेंडे को बजाय जो गैर जरूरी एजेंडे हैं वो दिए जाएं। अब जो अनवर साहब ने बात कही उसमें दम है कि महिला आरक्षण में तो कुछ करना ही नहीं, राज्यसभा ने पास कर रखा है। अगर मोदी सरकार गंभीर और ईमानदार होती तो 9 साल पहले भी कर सकती थी, क्योंकि इनके पास लोकसभा में बहुमत पहले दिन से ही है। कांग्रेस के पास बहुमत था नहीं, कांग्रेस चाहकर भी नहीं कर पाई थी जी। अब रोहिणी आयोग का इन्होंने रिपोर्ट ले रखी है पिछड़े वर्ग के, ये तय है कि ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कई टुकड़ों में बांटेंगे जी। जो दलित वर्ग का आरक्षण है उसको कई टुकड़ों में बांटेंगे और पिछड़े वर्ग को टुकड़ों में बांट कर ये शुरुआत कर रहे हैं। तो हो सकता है उस रिपोर्ट के लिए कोई संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो सरकार किसी भी प्रशासनिक आदेश से कर सकती है, तो हो सकता है वो लाए। पर मेरा जो अनुमान है कि इस सेशन के अंदर धमाके की बजाय ये मोदी 40 ज्यादा पड़ेंगे, ये जो चंद्रयान है, G20 है और दूसरी बातें हैं कि प्रधानमंत्री ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री ने ये कर दिया जी, अपनी यानी अपनी अपनी उपलब्धि अपनी खूबियां बताने के लिए जी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। धमाका करने की बजाय मोदी 40 पढ़कर ये विधानसभाओं का एजेंडा सेट करना चाहते हैं जी। भारत की संसद में 18 तारीख से 22 सितंबर के बीच क्या खास होने वाला है, वित्त प्रकाश विद्रोही जी ने स्पष्ट किया और उन्होंने अपना आकलन दिया है कि कुछ भी नहीं निकलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान होगा। दिनेश सर, मेरा सवाल आपसे, अब जब इंडिया नाम बदलने की बात होती है, भारत करने की बात होती है, तो इसका चुनाव में कितना फायदा उठा पाएगी बीजेपी और मोदी सरकार को कितना फायदा मिल पाएगा? मुझे जहां तक लगता है कि इतना प्रभावित नहीं कर पाएगी अगर ये नाम बदलने की भी जो कवायद हो जाती है, क्योंकि जनता जो महंगाई से परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो मौसम की मार से परेशान है, क्या उस पर भारत नाम बदल दिए जाने से असर होगा? कि इस देश में बहुत सारी चीजें भावनात्मक तौर पर चलती हैं और प्रचार का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम लगातार ये देख रहे हैं, बहुत सारे जो नेहा आप बता रही है ये मुद्दे हमेशा रहते हैं, लेकिन क्या विपक्ष इन मुद्दों से अपने आप को जनता से जोड़ पा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और सत्ताधारी दल है वो लोगों की अब ये बात समझ चुकी है कि उसे भावनात्मक कौन से मुद्दे अच्छे लग रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि वो 5 चुनाव पर काम करते हैं, तो आप देखिए नैरेटिव तैयार करने की ताकत को काम करते हैं। मोहन भागवत जी एक बयान देते हैं कि भारत कहना चाहिए, भारत का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति जी अपने इनविटेशन पे भारत लिखने लगती हैं। तो ये देश चल कहां से रहा है, किसके एजेंडे पे चल रहा है, ये कोई अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यदि वो कल कह रहे थे कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक समानता का भाव नहीं आ जाता, तो ये क्यों कहा, इसके पीछे भी जाना पड़ेगा कि ये जब एक विशेष सत्र आने वाला है इस तरह का बयान उनकी तरफ से भी क्यों आ रहा है, ये एजेंडा सेट कौन कर रहा है और कौन इलेक्शन को तैयारी कर रहा है। तो ये जो मुद्दे उभारने की कोशिश हो रही है और विपक्ष, आप देखने के स्टालिन का बयान आता है तो क्या होता है, वो हिंदी स्टेट में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, जहां बहुत 200 सीटें हैं, यदि हिंदी स्टेट में ही भारतीय जनता पार्टी है वहां वो इसका लाभ उठा लेगी तो विपक्ष करेगा क्या जी? फिर वो उसको साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में जो सीटें चाहिए तो वो मिल जाएंगी, उसमें उसको बहुत ज्यादा एक रिस्क नहीं है। तो वो जो भी राजनीति करते हैं, हिंदी भाषी राज्यों की राजनीति करते हैं, उसी के इर्द गिर्द वो राजनीति करते हैं और वही मुद्दे देखते हैं जो वहां उत्तर भारत की राजनीति में को प्रभावित कर सके। तो इसलिए आप देखिए कि वो जो जिस एजेंडे के बारे में हम सोच रहे हैं, जिन समस्याओं के बारे में हम सोच रहे हैं, वो हम देश की बात कर रहे हैं, वो देश की बात नहीं करते, वो राजनीति की बात करते हैं। जी, आपने बहुत ही गंभीर बात कही है कि
ये राजनीति है, देश की बात नहीं हो रही है। और एजेंडा शायद जो सनातन धर्म को लेकर पीएम मोदी ने कैबिनेट मिनिस्टर्स को जो बात कही है उसका असर पहले दिन से ही देखने को मिल रहा है। तो क्या इससे मान लें कि दक्षिण भारत को जो है बीजेपी छोड़ देने की जो है अब स्थिति में नजर आ रही है और पूरा का पूरा जो फोकस है वो हिंदी बेल्ट की तरफ शिफ्ट हो गया है? दिनेश सर, बिल्कुल देखिए, जो दक्षिण भारत है वहां जो ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म वहां नहीं है। जिस राज्य से स्टालिन ने ये बात कही है वहां भी 87% आप हिंदू है। और वहां मुझे लगता है कि उत्तर भारत से ज्यादा आप देखेंगे ना कि वहां संस्कृत में के बहुत सारी चीजों पर जो लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज पर कहीं ना कहीं सनातनी प्रभाव बहुत ज्यादा है। वो पता नहीं उन्होंने जो बयान दिया वो किस वोटर को टारगेट कर रहे हो, क्योंकि 10 या 11% आप माइनॉरिटी वोटर के सहारे भी वहां कुछ नहीं हो सकता। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के टारगेट में है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, वो लगातार उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक जो गलती करता है विपक्ष के साथ इतने धड़े हैं और कांग्रेस उस तरह की ऑर्गेनाइज पार्टी नहीं है और फिर जो गठबंधन है वो तो और भी ऑर्गेनाइज नहीं है। यदि बिहार से कोई बात आएगी तो वो जरूरी नहीं है कि उसकी वहां कही गई बात मध्य प्रदेश में भी लागू हो। तो बहुत सारी ये होती है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है और उसी के कारण वो पहले 14 में जीती और फिर 19 में उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए चुनाव जीता। और बाकी जो राज्यों में भी देख रहे हैं आप, विपक्ष का जो बिखराव है और मुद्दों का जो अभाव है उसके कारण भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होती जा रही है। नहीं, मुद्दों का जो अभाव है, ये जो 9 मुद्दे सोनिया गांधी ने पत्र में पीएम मोदी को पत्र में बताए हैं, क्या ये मुद्दों का अभाव दर्शाते हैं? इसमें मौसम की मार जो है नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो राज्य परेशान है उनकी भी बात नहीं, 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 ये जो मुद्दे है इस मुद्दों पे आप उनका एक मामले में आपको कंसिडर करना पड़ेगा। संसदीय ने कहा है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें सत्र में चर्चा हो चुकी है, जिस पर एक सत्र में चर्चा हो जाती है उस पर दूसरे सत्र में चर्चा नहीं होती। एक लाइन में, समय समाप्त हो गया इसलिए एक लाइन में मैं समझना चाहूंगी विद्रोही सर से। विद्रोही जी, एक लाइन में मैं आपसे समझना चाहूंगी, बहिष्कार ना करने की बात विपक्षी अलायंस ने की है इंडिया ने, तो क्या हम उम्मीद करें कि स्मूथ जो है ये जो है स्वस्थ तरीके से जो है विशेष सत्र चलेगा, कोई हंगामा नहीं किया जाएगा? जी, इंडिया अलायंस ने बड़ा क्लियर किया है कि हम संसदीय परंपरा के अनुसार संसद के विशेष सत्र बुलाने के विरोधी नहीं है, परंतु हम मोदी चालीसा को भी संसद के विशेष सत्र में नहीं पढ़ने देंगे। पर जो गलती आपने अविश्वास प्रस्ताव जब पीएम मोदी के जो बयान को भाषण के वक्त आपने वॉकआउट कर दिया था और उसके बाद जो एक गलती हो गई थी आपसे, जैसा कि जानकार कह रहे हैं, क्या इस गलती को ये सब गोदी मीडिया का प्रचार है, कोई गलती नहीं हुई थी। विपक्ष ने जो कुछ किया ठीक था, वो जो अविश्वास प्रस्ताव था वो केवल मणिपुर पर संबंधित था, लेकिन मीडिया प्रचार कर रहा है, मीडिया क्या प्रचार कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इससे हमें ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि हम जन भी अब समझ चुके हैं कि गोदी मीडिया वही बोलता है जो मोदी सरकार चाहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि मोदी चालीसा पढ़ी जाएगी तो निश्चित रूप से हंगामा भी होगा और जोरदार विपक्ष अपनी ताकत का प्रदर्शन, और जनता मूक दर्शक बनी हुई देखती रहेगी। जनता के विवेक के ऊपर है कि वो किसे सही और किसे गलत समझती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी विद्रोही सर आपका भी और दिनेश सर आपका भी और अली अनवर अंसारी सर थोड़े समय के लिए जुड़े थे तो उनका भी बहुत बहुत विशेष धन्यवाद, क्योंकि पूरी बहस को सार्थक बनाया हमारे विशिष्ट पैनलिस्ट ने। और अब आखिर में दर्शकों से भी अनुरोध है कि info@justbroadcasting.com पर आप अपने सुझाव हमें जरूर भेजें, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश होती है कि निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को इस मंच पर जो है प्रबल बनाया जाए, ताकि जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस पर आंच ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर होगी मुलाकात, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।